इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिल्ले सिकुओं को भुलाकर व्यापक देश व जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा पूरा आदर सम्मान भी दिया है। और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी पूरी कोशिश बनी रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी जानते हैं। और इसलिए अभी अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुल्य, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपने यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और सपा की खासकर यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिंपल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विपरीत आए चुनाव परिणाम में ईवीएम की भी भूमिका काफ़ी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है, किंतु इसके बावजूद भी बीएसपी का बेस वोट व सपा का अपना बेस वोट जुड़ने के बाद फिर इन सबको कतई भी हारना नहीं चाहिए था। इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा दुख है और हमें ये आगे के लिए भी सोचने पर काफ़ी कुछ मजबूर करता है। ऐसी स्थिति में ये आंकलन किया जा सकता है कि जब सपा का बेस वोट खुद सपा के खास सीटों पर ही छिटक गया है तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। और इसी खास संदर्भ में ही कल दिनांक 3 जून को दिल्ली बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश के पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की अहम बैठक में इन चुनाव परिणामों की काफ़ी गहन समीक्षा की गई और समीक्षा में ये पाया गया कि बीएसपी जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ, अनुशासित व कैडर आधारित पार्टी है और उसी के तहत सपा से गठबंधन करके उसी मानसिकता के तहत चलकर सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके संबंध में सपा के काफ़ी कुछ लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में तैयार होने के साथ साथ
बीजेपी की घोर जातिवादी सांप्रदायिक व जन विरोधी नीतियों से प्रदेश देश यानी कि उत्तर प्रदेश देश व समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठोर संघर्ष करते रहने की सख्त जरूरत है, जिसका एक अच्छा मौका सपा के लोगों ने इस बार चुनाव में गवा दिया है। लेकिन अब आगे इन्हें इसी हिसाब से काफी तैयारी करने की जरूरत भी है। और यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई ब्रेक परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा, और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो ये मुझे अपने बात क्यों आपके सामने रखनी पड़ी है, कल जो मैंने यूपी की जो रिव्यू बैठक बुलाई थी इलेक्शन का नतीजा आने के बाद, तो मैंने कोई मीडिया को कल कोई बाइट नहीं दिया था, ना कोई प्रेस नोट जारी किया था, और हमारे लोग भी मीडिया से दूर ही रहते हैं पार्टी के लोग, लेकिन कल पूरे दिन भर रात भर इस तरीके से उसको गलत तरीके से मेला फाइट इंटेंशन से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल रहे हों, तो गलत तरीके से उसको हाईलाइट किया गया। तो मुझे जब मैंने खुद आज सुबह देखा, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी रही तो मैं देख नहीं सकी टीवी जो है, तो लेकिन आज सुबह जब मैंने कुछ टीवी चैनल देखे और उसको गलत तरीके से जो मेरे स्टेटमेंट जो मेरी तरफ से जो बयानबाजी मेरी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अब खुद ही मीडिया में आकर स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। इसलिए मैंने आज अपना जो कल जो भी कुछ डिसाइड हुआ है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। धन्यवाद। तो आप बीएसपी प्रमुख मायावती को यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे, और जो बड़ी बातें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई हैं कि अगर अखिलेश नहीं बदलते तो अकेले चलना बेहतर, यानी सीधे तौर पर एक झटके में टकराव और एक झटके में अलग हो जाने का मायावती ने बयान नहीं दिया, लेकिन ये स्थिति साफ कर दी है कि बीएसपी और एसपी का साथ रहना भविष्य में उनके लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है, कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। और देखिए नेहा, साफ तौर पर इस बात का इजहार किया कि जो यादव बाहुल्य सीट थी वहां पर भी उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई, इसीलिए वोट क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुआ तो अब अकेले रहने का फैसला मुमकिन। कम से कम उपचुनाव में तो मायावती अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, इस बात का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही मीनाक्षी ये भी साफ किया कि ये जो स्थिति है ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है। अगर बेहतरी कर लेती है समाजवादी पार्टी अपने लिए, अपनी सीटों को बचा लेती है, तो हो सकता है आने वाले भविष्य में इस तरह की मुमकिन स्थिति हो कि सपा और बसपा साथ आ जाए, यानी कि सीधे तौर पर मायावती ने किसी भी तरह की आशंकाओं से इनकार नहीं किया। आने वाले वक्त में हो सकता है फिर से सपा से हाथ मिला लें, ये भी मायावती ने साफ किया कि अगर अखिलेश नहीं बदले तो वो अकेले चले, अगर वो बदल जाते हैं अपनी सीटें बचा लेते हैं तो वो उनके साथ चल देंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे अखिलेश से रिश्ते बने रहेंगे, ये बात बेहद अहम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर
मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिल्ले सिकुओं को भुलाकर व्यापक देश व जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा पूरा आदर सम्मान भी दिया है। और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी पूरी कोशिश बनी रहेगी कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई ब्रेक परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे, और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाय इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।